हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल के बड़ी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस पॉडकास्ट वीडियो में हर वीक की तरह इस वीक भी हम तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में एक टेक्निकल एनालाइज करेंगे और समझेंगे इस वीक में मतलब किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि दोस्तों, हर वीक में हम यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी यूएसडी जेपीआई यानी तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में ही एनालाइज करते हैं, तो इस बार भी हम तीन मेजर करेंसी पेयर में ही एनालाइज करेंगे। दोस्तों, अगर आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो वीडियो को कंप्लीट आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपको एक आइडिया मिलेगा आने वाले वीक में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, आगे भी आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे टेक्निकल के बड़े यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां से मैं आपको दिखा दूं, यूरो यूएसडी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम यहां से हम बनडे रख लेते हैं, क्योंकि पहले हम बनडे के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे और इसके बाद फोर आवर के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे। लेकिन तो पिछले वीक में भी कुछ इस तरीके से एनालाइज किया था। आपने यहां पे देखा, मार्केट ने एक एम पैटर्न यहां पे परफॉर्म किया है, ठीक है, एम पैटर्न की तरह यहां पे मार्केट ने बना है। लेकिन दोस्तों, पिछला वीक का कुछ इस तरीके का हमारा एनालाइज था। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये एम पैटर्न का यहां पे ब्रेकडाउन हो चुका है, राइट। जैसे मार्केट यहां पे अगर ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट हमारे लिए डाउनफॉल करता हुआ नजर आ सकता। तो फाइनली दोस्तों, मार्केट ने यहां पे डाउनफॉल ही किया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अभी देखेंगे कि नेक्स्ट वीक यानी आने वाला जो वीक है, आज तो संडे है, कल मंडे से मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा आपको यहां से बैक दिखाना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर ले रहा हूं, जिससे कि आप बड़ा आसानी के साथ यहां पे देख पाए। यहां पे इस लेवल से कुछ इस तरीके से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। मेरे के हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यहां पे आप गौर से देखिएगा गाइस, ये एक सपोर्ट लेवल है, तो हो सकता है थोड़ा सा मार्केट यहां पे सपोर्ट ले सकता है। देखिए, थोड़ा मैं बैक लेके चलता हूं आपको, जिससे कि आप बड़े आसानी के साथ देख पाए। देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट ने यहां पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को टेस्ट किया, यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को टेस्ट किया, कुछ इस लेवल पे हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल लाइन को टेस्ट किया है। तो ये कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को यहाँ पे टेस्ट किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमारे लिए देखने को मिल रहा है बनडे के टाइम फ्रेम में। चलिए, अब यहाँ से हम फोर हावर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। फोर हावर के टाइम फ्रेम में देखेंगे किस तरीके का यहाँ पे हमारे लिए एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अभी की अगर बात करें गाइस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, परफेक्ट हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया और एक अप डायरेक्शन में यहाँ पे जाने लगा है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ किया है फोर हावर के टाइम फ्रेम में, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है ना, कुछ इस तरीके से यहाँ से वर्क करने वाली है। देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, इसके बाद यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट यहाँ पे हो सकता है। तो अभी इस वीक में हमें किस तरीके से यहाँ से ट्रेड करना है गाइस, यहाँ पे आप देखिए हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को यहाँ पे अगर मार्केट कहीं ना कहीं टेस्ट करता है, अभी नहीं, कुछ इस लेवल का आता है और यहाँ से अगर हमारे लिए रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर डेफिनेटली हम यहाँ से सेल, हमारी ट्रेड को सेल डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस कुछ इस लेवल का रख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप यहाँ से बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ा आपका स्टॉप लॉस नहीं रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ गाइस। यहाँ पे हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का अगर यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट करता है, प्राइस अगर यहाँ को ब्रेकआउट करता है, कुछ इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा अगर रिटेस्ट करने आए, इसके बाद आप यहाँ से बाइंग देख सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कुछ इस लेवल का लगाना है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस गाइस कुछ इस लेवल का आप लगा दीजिए, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अगर मार्केट रिटेस्ट करने आता है, रिटेस्ट करने के बाद अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा और टारगेट आप बड़ा रख सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा आपको टारगेट नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, चलिए मैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ गाइस। कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं मार्केट का एक लेवल भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस लेवल से कुछ इस तरीके से, इससे बड़ा आपको टारगेट देना ही नहीं है,
ठीक है, ये कहीं ना कहीं मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस ले और फिर डाउनफॉल करना स्टार्ट कर दे, तो इससे बड़ा आपको टारगेट नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं जीबीपी यूएसडी पेयर के बारे में। यूएसडी जेपीवाई पेयर यहाँ से ओपन कर लिया है गाइस। टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं 4 आवर का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का, यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर अभी हम यहाँ से ट्रेड करें तो किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मैं इस चार्ट को कुछ इस तरीके से कर ले रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये एक सपोर्ट लेवल नज़र आएगा। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ये देखिए, ये मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब मार्केट जो सपोर्ट लिया था वहाँ रजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या रजिस्टेंस ले सकता है, तो अभी क्या नेक्स्ट वीक में जीबीपी यूएसडी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, तो इसके लिए और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां से हम एक फिबोनाची लेवल को यहां पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे तो फिबोनाची का कौन सा लेवल यहां पे निकल के आ रहा है उसके बारे में हम आसानी से जान पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे गाइस अगर हम फिबोनाची को टॉप टू बॉटम यहां से लगाते हैं तो ये देखिए गाइस आपको कुछ इस तरीके से यहां पे नजर आएगा। यहाँ पे गाइस हमने क्या किया है, बहुत सिंपल है फिबोनाची को ड्रॉ करना। जैसे कि आपने क्या किया है, टॉप से पकड़ा है एंड बॉटम तक फिबोनाची लेवल को यहाँ पे ड्रॉ कर किया है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये कौन सा लेवल है। ये 50% का लेवल है। इसके बाद एक और फिबोनाची, एक और यहाँ से दोस्तों एक और हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे जो है यहाँ पे कुछ इस वाले लेवल। ठीक है, तो और इसके बाद दोस्तों यहाँ से फिबोनाची को हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, देखिए साफ साफ आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट का एक सपोर्ट लेवल था, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ पर अगेन रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो हो सकता है जीबीपी यूएसडी यहाँ से गाइस एक रेजिस्टेंस की तरह फेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची का 0.5% का यहाँ से लेवल आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 61% का यहाँ पे हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, साथ ही साथ यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन का भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस लेवल से यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद डाउन कर सकता है या फिर 61% से तो दोस्तों यहाँ से डाउन फॉल कर सकता है, ऐसा यहां से हमारे लिए देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो यहां से फिर मान लीजिए अगर यहां पे जीबीपी यूएसडी ब्रेक आउट करता है इस लेवल को, तो ब्रेकआउट करने के बाद फिर आप यहां से बाइंग की तरफ देख सकते हैं, लेकिन आपको टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, टारगेट आपको कुछ इस लेवल का ही रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहां से जीबीपी यूएसडी इस वीक में परफॉर्म कर सकता है। चलिए अब हम समझ लेते हैं यूएसडी जेपीवाई पेयर के बारे में। आप देखेंगे यूएसडी जेपीवाई का पेयर मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर टाइम फ्रेम में चेंज कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर हम समझने वाले हैं सबसे पहले वनडे के टाइम फ्रेम में। वनडे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे गाइस। देखिए ये मैंने वनडे का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन कर लिया है और अभी वनडे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमारे लिए कहीं ना कहीं मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया और फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट लेवल की अगर बात करें दोस्तों, अगर हो सकता है यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दूँ, इससे हम अच्छे से समझ पाएंगे ये हमारा लेवल। इसके बाद अगर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो फाइनली दोस्तों हमारे लिए कुछ इस लेवल का यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये वाला लेवल। ठीक है, इस लेवल तक। ठीक है, तो चलिए अब हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम। 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। चलिए अब हमारे लिए यहाँ से 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या नज़र आ रहा है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए गाइस 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और अभी मार्केट की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम पकड़ेंगे और कुछ इस तरीके से हमने ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है।
राइट, तो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे हमारी ट्रेन लाइन को। ये गाइस मैंने एडजस्ट कर लिया अपनी ट्रेन लाइन को, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे हमारी ट्रेन लाइन का टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया। तो दोस्तों अभी आपको किस तरीके से यहाँ से ट्रेड करना है, तो गाइस अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कुछ इस लेवल तक। अगर मार्केट यहाँ से आता है और यहाँ से हमारी ट्रेन लाइन को सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद दोस्तों अपर डायरेक्शन में जाने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे, और टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ इस लेवल का आप टारगेट रख सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आप इस लेवल का यहां से रख सकते हैं। दूसरी कंडीशन दोस्तों, अगर आप यहां से सेल करना चाहते हैं तो सेल की कंडीशन क्या है, यहां पे जैसे ही मार्केट आएगा हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करने के बाद थोड़ा सा आपको फिर से वेट करना है, कुछ इस लेवल को यहां पे ब्रेक डाउन करना चाहिए, ठीक है। इस हमारी ट्रेंड लाइन को यहां पे ब्रेक डाउन कर इसके बाद थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, इसके बाद इस लेवल को यहां पे ब्रेक डाउन करता है तो दोस्तों हम कुछ इस लेवल का यहाँ पे हमारा टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमने तीनों करेंसी फेयर के बारे में जाना, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपी बाय इस वीक में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों इसी तरीके से आपको एक एनालाइज करना है, ये हमने एक मोटा मोटा एनालाइज किया है, बाकी जो भी आपकी स्ट्रेटजी जिस तरीके से आप प्रॉफिट बना रहे हैं आपको उस तरीके से ट्रेड करेंगे, आइडिया मिला होगा इस वीडियो से इस वीक में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस आज की फॉरकास्ट वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई और भी लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।